वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह के नेतृत्व में साइबर अपराध के रोकथाम के संबंध में ऑनलाइन साइड ट्रेन प्रशिक्षण क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर क्राइम सेल अपराध शाखा व साइबर थाना गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर द्वारा जनपद के थानों से 5-5 पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को एनएक्सी भवन सभागार में साइबर अपराध के रोकथाम एवं इन्वेस्टिगेशन हेतु ऑनलाइन साइट ट्रेन पोर्टल पर प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु संचालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन के कार्य प्रणाली के विषय में भी बताया गया एवं साइबर अपराधों के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियां, टोल फ्री नंबर 1930 व साइबर क्राइम government.in वेबसाइट के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी सहित समस्त क्षेत्र अधिकारी व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि 30 वाले ट्रेटर्स तुरंत को क्रिएट कर सकता है, तो पटरी उस तरह रोटेट करते रहता था। आप लोग बेसिकली इस पे जाके सर्च करिएगा, ठीक है? जाहिर सी बात है, इतना मैंने कोशिश बहुत किया है। अगर आपको खुद से थोड़ा सा जो भी कीवर्ड्स आए हैं, एक्सप्लोरर क्या होता है, क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है, हॉट वैलेट क्या होता है, कोल्ड वैलेट क्या होता है, खुद से अगर आप जाके सर्च करेंगे तो कुछ बेहतर समझ पाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग कुछ कहते हैं हम लोग, ठीक है? कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कैसे लोग उसको परचेज कर रहे हैं, ठीक है? कैसे ऐसे अगर वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बॉर्ड है, केसेस को हम कैसे ट्रैक करेंगे, ठीक है? और ये आप लोगों को साइक्लेट का जो कोर्स बताया गया है, आप लोग जिन लोगों का भी NCERT से यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया है, वो आज ही से उसको लॉगिन करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 महीने के अंदर आपको अपना जो तीनों बेसिक कोर्स जो है, अभी आप इंटरमीडिएट और एडवांस पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले जो बेसिक कोर्स है उसको आप करेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया, आज गोरखपुर स्थित एनेक्सी भवन में गोरखपुर जनपद के सभी थानों से 5-5 कर्मचारियों को यहां बुलाया गया था और उन्हें साइबर क्राइम के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है पुलिस कर्मियों के लिए, जिसका नाम है साइट ट्रेन। उसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं और उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है साइबर क्राइम्स रिलेटेड क्राइम्स का, कैसे फॉरेंसिक उसका होना है, कैसे उसमें साक्ष्य संकलन करना है और किस तरह से जैसे कोई सूचना मिलती है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सारे उसके ट्रैक्स हैं। इनके विषय में जो हमारे पुलिसकर्मी आए हैं उनको विस्तार से बताया गया है और इसमें अधिकारी से लेकर के जो नीचे कांस्टेबल तक है, सभी पुलिस कर्मियों को, अधिकारीगणों को इसमें ट्रेन होना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही जो साइबर क्राइम रिलेटेड घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे बदलते हुए परिवेश में ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो क्राइम है उसको टैकल करने में, उसको क्रैक करने में अडेप्ट हों, और इसी उद्देश्य के साथ ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आज उसी के संबंध में ये ट्रेनिंग की गई है और जो हमारे कर्मचारी आए हैं उनको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड भी बताया गया है और उस ऐसे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड केसेस को कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके विषय में उनको ट्रेनिंग दी गई है। क्या सरकार की मुहिम है कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है? बिल्कुल, ये शासन की मंशा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी की मंशा है और ये हम लोगों का भी उद्देश्य है, पुलिस कर्मियों का भी, कि जो हमारी जनता है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए हम लोग जो बहुत स्कूल और कॉलेजेस में जाकर के सभी अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं और साइबर वॉलंटियर्स भी तैयार कर रहे हैं, ताकि वो पुलिस के बिहा पे जाकर के स्कूलों और कॉलेजेस में और ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला सके। क्योंकि साइबर अपराध से बचने का एकमात्र उपाय है सतर्कता और अवेयरनेस, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि कम से कम लोग साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड का शिकार हों।